आगे है। ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है ना, हर कोई यहाँ अपनी तकदीर लिखने में लगा है, पर ये तकदीर किसी के हाथों की लकीरों से नहीं, ये लिखी जाती है उसके लिए गए फैसलों से। अब जैसे इंसान को और रात की नींद सुलाना, ये मेरा फैसला है और इसे मैंने खुद चुना है, पर बात यह है कि अगर फैसला है तो उसका एक अंजाम भी होगा, और अगर फैसला खुद चुना है तो उसका अंजाम भी खुद ही भुगतना होगा, क्योंकि एक बार बीत जाए तो वक्त वापस लौट कर नहीं आता, और उस आखिरी फैसले का अंजाम भुगतने के लिए हम यहाँ मौजूद हो। ऐसा जरूरी तो नहीं, केशव महाविद्यालय की नाट्य संस्था शेठ प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नाटक टेक टू। अरे भैया कितने प्यारे प्यारे बच्चे, अरे ले ले भाई। कब से तुझे आवाज मार रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अम्मा जी बच्चे देख रहे हैं, हम तो इंसान में तोहफे बांटते बांटते हो जाते हैं। अरे आज मेरी राहुल का जन्मदिन है। सवाल आया तो एहसास
सा
बस आ रही है, चल जा रही है, चल बोलना बैठ जा, जिंदगी बढ़िया चल रही है, क्या फोटो लेने का, बड़ी बात हो गई। और वैसे भी इनका इधर वगैरह कुछ बोल नहीं होता, कूड़ा होता है कूड़ा, चल जाना बैठ नहीं से। और इनको ना सिर्फ टीवी पे आने से मतलब है, कुछ लोग तो नारे लगाते हैं टीवी पर आने के लिए, ये डायरेक्ट सच काटते हैं। सुन ज्यादा क्यों नहीं ले रही है, हो सकता है इनके अंदर का जो टच में हो। चल यार बात तो सही कह रही है। जी हाँ भैया जी, बिल्कुल
अब हम सब तो समझाने में बहुत माहिर हैं, बस अगर एक बार इन्हें समझाने की जगह इनकी बात आपने समझने की कोशिश की होती तो आज इनके पास अपनी जिंदगी के इन वाक्यों के लिए फुल स्टॉप भी एक आखिरी उपाय ना होता। Ma'am, what if I am not happy? ये सवाल मेरे मन में बहुत समय ओए 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 आराम से। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ? इस सवाल को गूगल करूँ, अपने दोस्तों के पास जाऊँ या बैठ जाए तो उधर हो जाए, अपनी टीचर से पूछूँ? मैडम नीचे बैठ जाओ, इसे बैठा दे, नीचे बैठ जाओ। फिर कुछ और सवाल भाई, बैठ जाओ यार। जिसका जवाब ना तो तब मिला था और ना ही अब मिला है। सुन सुन इधर आ जा। I'm not happy. You just clap your hands. That's it. ये क्या है आवाज़ आने का? तो जवाब मिलना बहुत जरूरी है। हम सभी लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जिन्हें करके हम अपने वो सारे जज्बात आराम से बयां कर देते हैं। जैसे किसी का लिखना, किसी का गाना, किसी का नाचना, तो किसी का नाटक करना। और देखा जाए तो हमारा जाओ इन्हीं कुछ कामों में तो छुपा है। जब एक आम इंसान का स्वस्थ शरीर बनता है उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से यानी कोलैबोरेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, तब उस काम का ध्यान केवल एक तरफा ही क्यों? और अगर एक और बात भी याद रखिए कि अगर हम ये सारे काम करते हैं और इन कामों को करते करते हमारे अंदर वो जज्बात दबते रहते हैं, दबते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस सब काम को करते हैं और फिर सारे अपने अल्फाज एक लिखने में, एक गाने के तौर पे या फिर एक नाटक के तौर पे निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वो जज्बातों का पिटारा भूल जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को भी कभी अनाया जिंदगी में उन सालों को खोलने की नौबत आए, उस पिटारे को खोलने की नौबत आए, तो इस चाबी का इस्तेमाल करना या उस पिटारे को खोलना, ये अब लोगों के ऊपर ही है। वो उम्मीद ही तो होती है जो हमें उस रास्ते पर चलना सिखाती है।
तो क्यों ना आज एक काम किया जाए, इस रुकावट और उम्मीद की लड़ाई में उम्मीद को जिताया जाए। क्यों ना आज अपनी जिंदगी के इस वाक्य को खत्म करने के बजाय एक नई और एक बेहतर शुरुआत दी जाए। और मुझे उम्मीद है जिंदगी में हर रुकावट के लिए देर इजाफ़